हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आपके साथ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करूंगी। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे लाइफ में ऑर्गेनाइज होने में हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक टीचर हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो अभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, आप उनके साथ ये प्रोडक्ट्स ज़रूर शेयर करिए। मेरे वीडियो का लिंक शेयर करिए। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदी हैं जो एक पर्टिकुलर कलर स्कीम में थी और ये मुझे प्लानिंग के लिए बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहली चीज़ कौन सी है जो सबसे खूबसूरत लग रही है, और वो है यहाँ पे ये एक बहुत ही मज़बूत और स्टर्डी पेन स्टैंड। दिस इज़ सो गॉर्जियस। और इसके अंदर मैं कितनी सारी चीज़ें रख सकती हूँ। इसके अंदर मैं हाइलाइटर्स रख सकती हूँ, मैं अपने पेंस वगैरह रख सकती हूँ, मैंने स्टिकी नोट ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। 500 रुपये का है, 499 इसका MRP है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसको आप अपने डेस्क पे रखेंगे तो उसकी खूबसूरती तो बेहद इंक्रीज़ हो ही जाएगी। मैंने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स लेना वो एक ही जैसे दिख रहे हैं। मैंने एक आइडिया भी शेयर किया था आपके साथ शॉर्ट्स में कि आप चाहें तो किसी वॉलपेपर को यूज़ करके, आपके पास एग्जिस्टिंग अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे ये आपको दिखाना है, ये एक छोटा सा प्लानर डायरी टाइप का है, ये भी 500 के अंदर ही होगा। और ये अगर मैं चाहूँ एज अ बिजनेस वुमेन और मैं जाती हूँ अपनी क्लाइंट्स के पास, तो मैं इसमें जाके आराम से नोट्स, स्टिकी नोट्स लिख सकती हूँ। इसमें राइटिंग पैड्स हैं, प्लेन भी है और लाइंड वाला भी है। और यहाँ पे एक पेन रखने की भी जगह है। अनफॉर्चुनेटली वो पेन मुझसे मिसप्लेस हो गया है, पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। अगर आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करोगे ना, आपको मिल जाएगा वो पेन, देखने को मिल जाएगा इस प्रोडक्ट के साथ। वो पेन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था और उसमें स्टाइलस भी था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप अपने पर्स में, अगर आप टीचर हैं, आप बिजनेस वुमेन हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है एज एन ऑर्गेनाइज़र। और इसमें ये एक्चुअली हमारे को दे रहे हैं ये दो नोट पैड्स, और ये यहाँ पे एक राइटिंग पैड है, मतलब छोटू सा राइटिंग पैड। मैंने आपको पहले भी एक स्टेशनरी हॉल में दिखाया था, इसमें भी है, विच इज़ अमेजिंग। तो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके साथ पेन भी बहुत अमेजिंग था। उसके साथ ही साथ मैंने उसी के मैचिंग थीम में एक ये प्लानर लिया है। ये प्लानर भी 299 तक के रेंज का है। और इस प्लानर की खासियत ये है कि इसमें आपको पूरा वीक इस तरीके से मिल जाएगा, पूरा वीक आपको मिल जाएगा। और इसका ये ऐसा डेकोरेटिव लुक है, तो आप इसमें अपने पूरे वीक की प्लानिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स भी लिख सकते हैं। सो आई पिक्ड अप दिस। एंड देन उसके बाद एक स्टडी प्लानर आया है और इसके साथ कुछ स्टिकर्स भी हैं। ये येलो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें येलो है, बट पिंक है तो डजेंट मैटर। और इसके साथ ये पूरा 21 का कैलेंडर, 22 का कैलेंडर आया था, क्योंकि मैंने ये 21 में ख़रीदा था, पर इसमें 22 का कैलेंडर भी है मेरे पास, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ 22 में भी। बहुत वर्सेटाइल है। और ये सिक्स मंथ्स प्लानर है। इसका एक्चुअली 500 के आसपास का रेंज था और दो आए थे, मतलब 250 के आसपास एक पड़ जाएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और इसको तो मैं आपको शॉर्ट्स बना के दिखाऊंगी। इसमें इतनी सारे फीचर्स हैं, आप पूरा अपना पूरा मंथ, पूरा सिक्स मंथ्स एकदम अपने गोल्स के साथ, स्टडी प्लान के साथ, या फिर अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब प्लानिंग के साथ, यहाँ पे टाइम टेबल बना के, हैबिट ट्रैकर, सब कुछ है। इट इज़ एन अल्टीमेट प्लानर। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर, शी इज़ अ टीचर लेक्चरर, सो शी इज़ यूजिंग इट फॉर हर पढ़ाने के लिए। मैं यूज़ करूँगी इसको अपना जो MSc बायोटेक किया है मैंने, तो बायोटेक के जो कोर्सेज डेवलप कर रही हूँ उसकी प्लानिंग करने के लिए मैंने ख़रीदा है इससे। तो मैं सब्जेक्ट वाइज इसमें प्लानिंग करूँगी किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। और उसके, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बायोटेक रिलेटेड इंसान है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके वो पढ़ सकते हैं बायोटेक के बारे में। मैं क्लास 11, 12, BSc, MSc सारे बायोटेक के कोर्सेज वहाँ पे डाल रही हूँ। तो मैं उसके लिए इस 6 मंथ्स के प्लानर को यूज़ करने जा रही हूँ, इसको मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसी के साथ मैचिंग का एक ये ख़रीदा है फाइल फोल्डर। ये फाइल फोल्डर
जो है ना वो छोटा वाला जो आपने देखा था प्लानर, उसी के जैसा है, बट बड़े साइज़ में है। इसके साथ भी एक पेन होल्डर है। ये थोड़ा कैरी करने लायक नहीं है, पर आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं। द लुक इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और इसके साथ भी यहाँ पे इस तरीके का राइटिंग पैड रूल्ड और प्लेन दोनों आया था। रूल्ड वाला मैंने दूसरी जगह यूज़ कर रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। बट इसमें आप देख सकते हो एक पॉकेट भी है, आप स्टिकर्स वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसे। और साथ ही साथ यहाँ पे नोट्स का पॉइंट है, और यहाँ पे एक स्टिकी नोट है, और एक यहाँ पे फ्लैप है। बहुत ही यूनिक स्टर्डी और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये फाइल फोल्डर। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में फॉर ऑल द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस वर्क, स्कूल वर्क, किसी भी तरीके के हाउस होल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये उसी का जो मैं आपको दिखा रही थी उसी में आया था। ये बहुत सारे शीट्स आए हैं, बहुत ही यूटिलाइजेबल हैं। और इसके लिए मैंने एक वो ख़रीदा है मैचिंग नोट पैड। तो मैंने ये ख़रीदा है, इट्स लुकिंग सो प्रिटी, साथ में जाता है सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड एक जैसा रहता है ना, तो दिखने में भी अच्छा लगता है हमको और मोटिवेशन भी रहता है। तो मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब से रिलेटेड सारी प्लानिंग की हुई है इसके ऊपर। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको रखने के लिए फिर मैंने ये एक फाइल फोल्डर ख़रीदा है। इसमें इस तरीके से पेजेस निकाल के, और मेरे को यहाँ पे पंच होल नहीं करने पड़ेंगे, ये इस तरीके का है। पंच होल का भी ऑप्शन अवेलेबल है ऑनलाइन, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सब 349 या 299 या 245 499 तक की रेंज की सारी चीज़ें हैं। मैंने 6-7 चीज़ें पिकअप करी, आई थिंक 7 आइटम्स मैंने पिकअप किए हैं, और मुझे बहुत पसंद आया है ये क्वालिटी, जो इसका क्वालिटी आया है प्रोडक्ट का, आई एम इन लव। तो मुझे ये चीज़ें आपको दिखानी थी, कुछ यूनिक सी चीज़ें जो मुझे प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन और स्टडिंग और यू नो हर तरीके के पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ों में बहुत हेल्प करने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये दो नोटबुक्स मेंशन करना चाहूँगी। ये क्लासमेट वाली नोटबुक के बारे में मैंने इंडिविजुअल एक पोस्ट बनाया था, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के बाद मैंने ये वाला मंगवाया है फॉर स्टडी के पर्पज़। इसमें रूल्ड है वो प्लेन था, और ये भी इसमें भी 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स आप एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग। तो अगर कोई चाह रहा है कि यू नो प्लानिंग, प्रेपिंग, तो एक साथ आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये कुछ मैं ड्राइंग ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से ही ब्रश पेंस खरीदे थे, तो मैं ब्रश पेंस ट्राई कर रही थी, तो उसका कुछ कलाकारी की हुई है मैंने यहाँ पे। इसको एक्चुअली पेज को भी टेस्ट कर रही थी कि देखिए आप इसके पीछे कोई भी ब्रश पेन का भी कोई ब्लीडिंग नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैं कहती थी कि जब हम बच्चे थे तो ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आते थे, हम लोग पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर पाते। तो ये भी थोड़ा सा इसी स्कीम और कलर के साथ मैचिंग है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो अगर आप चाहें तो क्लासमेट की नोटबुक्स को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। अगर मुझे उसका लिंक मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि कैसे वो क्लासमेट के नोटबुक्स कैसे पर्सनलाइज होते हैं, वैसे कोई लिंक मिलेगा हो सकते हैं। लाइक आप मर्जी का आप यहाँ पे कलर पैटर्न डाल सकते हो, पर मुझे ये जो ओरिजिनली आया था बहुत अच्छा लगता है। इवन ये वाला जो आया था ये मैंने पिक नहीं किया था, पर वो लोग रैंडमली ही भेजते हैं, और मुझे ये बहुत पसंद आया। आई डिडंट माइंड व्हेन आई गॉट इट। तो ये कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं। लोग मेरे को ऑनलाइन कहते हैं कि स्टेशनरी आपकी उम्र के बियॉन्ड है, लाइक बच्चों के लिए, बट एक्चुअली अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं मेरे जैसे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें करनी होती है, जैसे मुझे लिस्टिंग करनी होती है चीज़ों, जैसे मैं अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, अलग अलग ब्रांड्स के बारे में बात करती हूँ, तो मुझे सब कुछ लिखा पढ़ी में बही खाता मीटिंग करना होता है। तो ऐसे कई ऑफिस के जॉब्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की ही जॉब ले लूँ, तो हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे ऑर्गेनाइजर्स की। तो अगर आप ये ऑर्गेनाइजर्स ट्राई करना चाहते हो तो अमेज़ॉन लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके ज़रूर चेकआउट करना और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना इसी तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बताया इन चीज़ों के बारे में। बाय द वे, दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ माई हाउस, और मैंने आपको कुछ DIYs दिखाए थे कि जो मैंने वो जो प्लांटर्स हैं, कैसे मैंने वॉलपेपर्स यूज़ करके वो प्लांटर्स बनाए थे, उसका DIY वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय द वे,
एट द एंड आई वॉन्ट टू से ये ड्रेस भी मैंने अमेजोन से पिक करी है एंड आई एम जस्ट लविंग इट। तो अगर आप ये ड्रेस भी चेकआउट करना चाहते हो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि कभी कभी मुझसे पूछते हैं सब लोग कि ये कहाँ से खरीदा कहाँ से खरीदा। कोई सजेशन देना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। जब तक अगली बार नहीं मिलते तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द लिंक्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। बाय फॉर नाउ।